हमने आज जो हमारा टॉपिक है उसके पहले वाला टॉपिक लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन, मनुष्य में लिंग निर्धारण, वो हम पढ़ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अभी त्रैमासिक के लिए भी तैयार करें। आज हम देख रहे हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। अब जैसे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है, वैसे चींटियों में, वास्पों में, मतलब कीटों में, उनमें भी इसी तरह की विशेषता पाई जाती है और ऐसा ही लिंग निर्धारण होता है। उसको कहते हैं अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण विधि। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो मधुमक्खियों में होता है, चींटियों में होता है, कीटों में, वास्प में होता है। अब मधुमक्खियों में तीन प्रकार की वेराइटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी प्रजाति में, प्रजाति में। तो देखिए, एक रानी मधुमक्खी जिसे हम क्वीन कहते हैं, द्विगुणित होती है, मतलब इसमें गुण सूत्रों की संख्या 32 होती है, और ये उपजाऊ होती है, उर्वर होती है, फर्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, मतलब ये अंडाणुओं को भी जन्म देती है और जनन की क्रिया भी करती है, मतलब ये सबसे मेन है। दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, जिसको मजदूर मधुमक्खी भी कहते हैं, वर्कर, ये भी द्विगुणित होती है, ये भी अंडाणु से विकसित होती है, लेकिन इसके जो जनन अंग होते हैं वो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, तो ये बंद होती है। खुद तो है, मादा है, मादा जैसा ही व्यवहार है इसका श्रमिक का, लेकिन काम क्या करती है, ये छत्ता बनाने का काम, और जो फूलों से नेक्टर, मकरंद, उसके रस का स्त्राव जो होता है उसको पूरा सक करके लाती है और शहद बनाने का काम करती है, छत्ते बनाने का काम करती है, लेकिन खुद कैसी, ये बंध है, मतलब ये नई संतान को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि ये जन्म तो इसका अंडाणुओं से ही हुआ है, लेकिन खुद नहीं दे सकती, क्योंकि ये कैसी है, बंध है, मतलब बांझ है, स्टराइल। अब तीसरा होता है नर, नर मतलब ड्रोन, ये होता है अगुणित, और ये नर जो होता है ये डायरेक्ट जो है अनिषेक जनन के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें युग्मकों के द्वारा डायरेक्ट संतानों का निर्माण हो जाए बिना निषेचन के, ये युग्मक है, इससे डायरेक्ट अनिषेक जनन के द्वारा यदि संतानों का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है नर मधु, ये नर जो होता है नर मधुमक्खी, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं, और ये अगुणित होती है। अब आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि जो रानी मधुमक्खी है वो द्विगुणित, श्रमिक मधुमक्खी है वो द्विगुणित, और नर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये नर मधुमक्खी, इसको समझने का प्रयास कीजिए, नर मधुमक्खी जिसमें, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये नर जो होते हैं इनके पिता नहीं होते हैं, इधर देखिए आप, ये डायरेक्ट अंडाणु से विकसित हो जाते हैं अनिषेक जनन के द्वारा और अपना निर्माण कर लेते हैं, नर का निर्माण कर लेते हैं, ड्रोन बन जाते हैं नर उधर, लेकिन इनके पिता नहीं है, लेकिन इनके पोते नाती हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, इनके पिता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अनिषेक जनन के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा डायरेक्ट नर मधुमक्खी का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके जनक नहीं है, नर मधुमक्खी जो कि ड्रोन है ये जनक है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 16, और ये मादा मधुमक्खी में कितने होते हैं, 32, मादा मतलब ये यहाँ पे बताई मैंने रानी, अब रानी का काम क्या है, प्रजनन का कार्य करना, जनन का कार्य करना, तो इस रानी में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, आधे आधे हो जाएंगे, तो ये अंडाणु बने, तो इन अंडाणु में 16 इसमें और 16 इसमें, तो एक अंडाणु तो निषेचन की क्रिया करेगा, एक अंडाणु निषेचन की क्रिया नहीं करेगा, तो जो अंडाणु निषेचन की क्रिया नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट अनिषेक जनन के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा नर मधुमक्खी में परिवर्तित हो गया, जिसको हम कहते हैं अगुणित, क्योंकि 16 का 16 ही रहा है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या, कोई निषेचन हुआ ही नहीं, हमको पता है कि नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना, फ्यूजन होना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में जब फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यहाँ हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट जो है अनिषेचित अंडाणु है वो अनिषेक जनन के द्वारा नर मधुमक्खी में परिवर्तित हो रहा है, जो कि ड्रोन कहलाती है, और ये अगुणित है, इसको पू मंदुक भी कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 रहेगी, तो यहाँ कोई निषेचन की क्रिया नहीं हुई, इसलिए कहते हैं कि जो नर है उसके पिताजी नहीं है, खाली अंडाणु से ही बन गई है डायरेक्ट, हुआ ना, लेकिन इसके नाती पोते हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, यहाँ देखिए आप, कि यहाँ पे आप देखिए कि ये अंडाणु इस मादा मधुमक्खी से अंडाणु बने थे, तो एक से तो डायरेक्ट नर का निर्माण हुआ, अब ये दूसरा जो अंडाणु था इसने क्या किया कि ये नर मधुमक्खी जो थी इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और यहाँ पे युग्मक बने, तो यहाँ पे कितने युग्मक बने, 16, तो यहाँ जब ये 16 शुक्राणु जो बना उसमें 16 थे गुणसूत्रों की संख्या, तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु जब आपस में निषेचन की क्रिया करेंगे
तो इन दोनों में जब निषेचन की क्रिया होती है तो 32 गुणसूत्र वाला द्विगुणी मादा मधुमक्खी वापिस बन जाती है। मादा मधुमक्खी मतलब रानी, तो रानी मधुमक्खी बनी, तो इस रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 32। और किसके द्वारा बनी है? निषेचन के द्वारा, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों के गुणसूत्र आए 50-50%, उससे ये बनी मादा मधुमक्खी। लेकिन ये नर जो है किससे बना? डायरेक्ट अंडाणु से इसका परिवर्तन हो गया। तो पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन आपने फ्लावर वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि युग्मकों के द्वारा बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा फल के निर्माण, इसकी निर्माण की क्रिया जो होती है वो कहलाती है अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो आप नई संतान की उत्पत्ति होगी और वहां पे वो, इसलिए इसको कहा जाता है द्विगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, ये अगुणित और ये द्विगुणित, और यहाँ पे भी आप देखिए ये अगुणित और ये द्विगुणित, तो ये अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो इसमें आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें देखिए आप, उसमें लिखा है कि नर मधुमक्खी जो है उसके पिता नहीं होते लेकिन उसके नाती पोते हो सकते हैं। अब ये नर है ना, तो ये इसमें 16 ही क्रोमोसोम है, यही वाली समझ लो कि यहाँ आई है निषेचन के लिए नर मधुमक्खी, वो मादा के साथ क्रिया कर रही है, तो मादा के जो अंडाणु बने उसके साथ इसके शुक्राणु ने क्रिया करा। अब इसके तो पिताजी थे ही नहीं यहाँ पे, आप देखिए केवल अंडाणु से ही बनी थी डायरेक्ट, तो यहाँ पिताजी नहीं है लेकिन इसके नाती पोते तो हो रहे ना, हो रहे या नहीं हो रहे, ये नई संतान बनी है। और एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी रहती है, एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। तो इस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस होती है और ये इसको कहते हैं अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ठीक है, ओके।